29 सितंबर को एक मतलब एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें बताया गया कि 28 सितंबर को एक व्यक्ति हैं किशोरी लाल, जिनकी उम्र लगभग 63 वर्ष है, इनकी गुमशुदगी या ये कह लीजिए 364 आईपीसी का एक मुकदमा वहाँ पर दर्ज हुआ कि इनका किसी ने अपहरण कर लिया है। इस संबंध में जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पुलिस के सामने एक वीडियो भी आया जिसमें स्विफ्ट कार में कुछ लोग इनको वहाँ से ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठा करके वहाँ से ले जा रहे हैं। इसी क्रम में 29 तारीख को ही नेपाल से भी कुछ कॉल आए थे जो किशोरी लाल जी के घर उनकी पत्नी ने एक नंबर उठाया, और इसके बाद 30 तारीख को थाने पर भी एक कॉल आया था जिसको जब उठाया गया तो ये पता चला कि नेपाल में इनको जो है नेपाल की जेल में निरुद्ध किया जा रहा है। प्रकरण में जब और जानकारी की गई तो पाया कि 2004 में इनकी बेटी की शादी नेपाल में हुई थी और वहाँ पे जो ज्वेलर्स थे न्यूदीप ज्वेलर्स, वहाँ पर 2006 में एक बड़ी डकैती पड़ी थी जिसमें कई और डकैती के साथ मर्डर भी हुआ था जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी। उसी मामले में वहाँ की पुलिस ने जो तहकीकात की होगी जैसा कि बताया गया है थाने से, उसी क्रम में इनको यहाँ से वहाँ ले जा करके निरुद्ध की सूचना पुलिस को आई है। जो वहाँ से सूचना आई है, जो तथ्य हैं उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ जो अभी सूचना इकाई है उसको भी सतर्क किया गया है कि सभी संबंधित इकाई केंद्र सरकार की जितनी भी हैं उसमें और एमएससी से हम लोग संपर्क करके इसमें आख्या प्राप्त करेंगे या उसमें जो भी इनको इन्वॉल्व कर लिया गया है ताकि जो भी चीज़ है ये, क्योंकि इंटरनेशनल दो राष्ट्र के बीच की बात है, इसमें पूरा विधिवत रूप से इसकी वैधानिक प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाए।